नमस्कार, जय हिंद। मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूं सिलेक्शन क्लासेस में। तो कैट 2023 के जितने भी एस्पायरेंट्स थे उन सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर। मुद्दा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो ऑलमोस्ट आईएम्स के रिजल्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट अपने फाइनल स्टेज पे हैं। बच्चों ने जो एक्सेप्ट है, ऑफ़र एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, और जो एडमिशन प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग कम्प्लीशन, और उसके बाद अपने जो ड्रीम कॉलेजेस हैं बच्चों को मिलना शुरू हो चुके हैं। थोड़ा बहुत वेटिंग लिस्ट अभी बचा है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट जिस पॉइंट पे हम लोग बात करना चाहते हैं वो पॉइंट है एडमिशन प्रोसीजर का। पिछले वीडियो में भी मैंने कुछ एडमिशन प्रोसेस को लेके क्वेश्चन मार्क लगाए थे, और आज भी मैं एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और चौंकाने वाला एक तरह से मैं डेटा आपके साथ शेयर करूँगा। अभी आपकी स्क्रीन पर एक डेटा आ रहा होगा, और ये जो डेटा है वो आईएम रोहतक का है। ये भाई साहब क्या बोलते हैं कि 453 एडमिशन्स जो हैं वो ऑफ़र किए गए हैं, पीजी की बात कर रहे हैं हम, दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन। उसमें 434 आर ऑफर्ड टू गर्ल्स कैंडिडेट एंड ओनली 19 एडमिशन्स आर ऑफर्ड टू मेल कैंडिडेट्स। तो व्हाट इज दिस एक्चुअली, 19 आउट ऑफ 453 स्टैंड्स नो वेयर। क्या जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो इतने बुरे थे ड्यूरिंग द इंटरव्यू कि आप उनको बिल्कुल भी आगे की तरफ ले जाने की कोशिश नहीं करना चाहते, या फिर वो बिल्कुल मुक बधिर बन के बैठे थे इंटरव्यू में, डेफ एंड डम थे, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, और जो बच्चों ने बोला 19 ने, सिर्फ आपने उनको मौका दिया। मतलब व्हाट इज़ गोइंग ऑन, इट इज़ जस्ट अ क्वेश्चन मार्क। 434 गर्ल्स को आप बोलते हो कि आपको एडमिशन्स ऑफ़र हैं, बट 19 सिर्फ लड़कों को एडमिशन्स ऑफ़र करते हो, तो ये तो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड तो नहीं है। बिकॉज आप जेंडर डाइवर्सिटी के नाम पे जेंडर डिस्पैरिटी कर रहे हैं। जेंडर डिस्पैरिटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एक पेपर कंडक्ट कराते हैं, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू ऑल, आई कंप्लीटली एग्री। उसके बाद जो इंटरव्यू हो रहे हैं उस इंटरव्यू में ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी भी कैंडिडेट को रिजेक्ट कर रहे हैं तो यू शुड राइट द मेल ऑन व्हाट बिहाफ यू आर रिजेक्टिंग दैट पर्टिकुलर गाय, क्योंकि उसके पास ये पूरा राइट बनता है कि उसके हिसाब से इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था बट आपके हिसाब से इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, मैं मान सकता हूँ। बट आप उसको बताइए ना कि हम ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर जब आप इंटरव्यू दे रहे थे तो आपने ये गलतियाँ करी, उस बिहाफ पे हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। आप मार्किंग स्कीम लेके आइए, आप मार्किंग बताइए बच्चों को कि इंटरव्यू में आपके इतने मार्क्स हैं इतने में से, और फला जो दूसरे बच्चे हैं उनको इतने मार्क्स मतलब इसमें से मिले हैं, सो दैट भाई बच्चे को पता होता है कि मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ है। आपने कोई क्वेश्चन मुझसे पूछा, अगर मैं आंसर करता हूँ तो मुझे तो कम से कम मार्क्स का पता रहेगा ना, मैंने यार इस क्वेश्चन का आंसर किया था, मुझसे 5 सवाल पूछे गए थे, मैंने 4 कंफर्टेबली आंसर करे थे, एक नहीं कर पाया था, तो जो एक नहीं कर पाया था उसके बेसिस पे प्रमोशन मार्क्स मेरे डिटेक्ट होंगे। बट ये कौन सा तरीका होता है कि जब आपने एडमिशंस प्रोसीजर शुरू करा तो आपने कैट एग्जाम लिखा, परसेंटाइल आए, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि वो सबके लिए इक्वल था। उसके बाद इंटरव्यूज में क्या झोला हो रहा है, क्या खेला हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है ना। तो मेल कैंडिडेट्स के साथ कहीं ना कहीं ये जाती हो रही है, और प्लीज़ जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं यू शुड ऑल्सो लुक इन टू इट के भैया क्या आप कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को आप आगे लेके आइए। और आपको यदि लगता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ है तो यू शुड राइट द मेल टू द कंसर्न अथॉरिटीज़ के आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी कॉल, आपको किस बिहाफ पे रिजेक्ट किया गया है, यू हैव द एक्चुअली राइट, ठीक है, तो आपके पास ये अधिकार है। और दूसरी बात, जो एडमिशन प्रोसीजर्स हैं उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। रिफॉर्म क्या हो सकते हैं ये तो कंसर्न अथॉरिटीज़ बेटर डिसाइड करें, बट हम तो एज ए फैकल्टी या एज ए लाइक अगर हम ऑब्जर्वर की तरह बात करें तो हमारा तो सिंपल सा फंडा है कि जैसे आप कैट एग्ज़ाम कराते हैं ऐसे ही इंटरव्यू के में भी मार्किंग स्कीम रखिए। आप मार्किंग स्कीम में अगर आप एक बच्चे से उसका इंट्रोडक्शन रखते हैं तो उसके कितने मार्क्स हैं, उसकी नॉलेज के कितने मार्क्स हैं, उस बिहाफ पे आप उनको मार्किंग दीजिए, और उस रिजल्ट को भी पब्लिश करिए जब आप उसको रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज दैट विल इंक्रीज योर ऑथेंटिसिटी। वरना आपको सिर्फ ये लिख देना कि यू आर नॉट सेलेक्टेड, तो ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो कंप्लीट मतलब प्रोसीजर नहीं है। तो रिफॉर्म ज़रूर होने चाहिए 2024-2025 और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें, ये जो है एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इस तरह से यदि आप मेल कैंडिडेट्स को
रिजेक्ट करते रहेंगे तो जो एक जेंडर डाइवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बचेगी ही नहीं। जेंडर डाइवर्सिटी, वो जेंडर डाइवर्सिटी जो आप कॉरपोरेट में भेजना चाहते हैं, क्योंकि आयम्स का मतलब टॉप पोजीशंस पे आप लोगों को भेज रहे हैं इन द मैनेजमेंट, बट आप सोच के देखिए मैनेजमेंट में कौन लोग जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स। आप गर्ल्स 80%, 90%, 10% बच्चे जा रहे हैं मेल कैंडिडेट की बात करो। आई एम नॉट अगेंस्ट द वीमेन और द गर्ल्स कैंडिडेट, बट हम सिंपल से एक बात रखना चाहते हैं कि भाई इतना इतना अनबैलेंस चलता है, बट ये कौन सा अनबैलेंस है कि भाई आप गर्ल्स को इतना प्रेफरेंस दे रहे हो, बॉयज़ को इतना प्रेफरेंस दे रहे हो? दैट इज़ अ ह्यूज गैप, और इस गैप को मिनिमाइज करने की जिम्मेदारी अथॉरिटीज़ की है, क्योंकि जब गेम होता है तो फेयर गेम होना चाहिए जिससे खेलने वाले को भी मज़ा आए और जो उसको देख रहा है वो भी एंजॉय करे। स्पेक्टेटर भी ज़रूरी है, वो उस खेल को एंजॉय करे, और जो खिलाड़ी है वो भी एंजॉय करे कि हाँ यार सामने वाले को क्रेडिट दो कि वो अपने बल पे जीता है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आपने उसको एज दे रखी है। एज भी देने में आप थोड़ा सा एज दीजिए ना, इतना एज देने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो प्लीज़ आई एम से लुक इन टू इट, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और सारे मेल कैंडिडेट्स की जो मतलब एक तरह से वो रिक्वेस्ट यही होगी कि भैया हमारी क्या गलती है, सिर्फ हम मेल हैं, मेरे हिसाब से ये तो नहीं होना चाहिए। आई नो कि वीमेन एम्पावरमेंट का दौर चल रहा है, बस इस वीमेन एम्पावरमेंट में आप बॉयज़ को इस तरह से कम रिजेक्शन में ना डालिए, उनको भी प्रॉपर आप लाइक वी कैन से राइट्स दीजिए और उनको बताइए कि आपकी क्या गलती थी। अगर वो गलती होगी तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है यार, क्यों नहीं होगी, बट ये कह देना कि सिर्फ 19 ही मेल जो है 453 में से वो क्वालिफाइड थे एज़ पर योर स्टैंडर्ड्स, ये कहीं ना कहीं डाइजेस्टेबल नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट अपडेट होगा तो ज़रूर से मैं बताऊंगा। तो आप चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं, क्योंकि कैट 2024 का यदि आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आई एम प्रोवाइडिंग यू कंसेप्ट ऑल्सो फॉर द क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड, एंड यू कैन एन्जॉय एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग द थिंग्स विद मी। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक।